दिस इज मी हूँ यार एंड दिस इज अ वेरी फर्स्ट व्लॉग विथ माई स्पाउस लोकेश एंड दिस इज अ वेरी फर्स्ट ट्रिप टू अहमदाबाद. सो वी हैव अ मिडनाइट फ्लाइट ऑफ अराउंड लाइक 2:30 एंड वी आर प्रीटी एक्साइटेड टू हैव दिस ट्रिप. दिस इज अ वेरी फर्स्ट ट्रिप. सो विश अस गुड लक गाइज एंड वी होप टू शूट मोर ऑफ द कंटेंट एंड प्रेजेंट इट टू यू ऑल. बाय. हम कहाँ जा रहे हैं? अहमदाबाद. हमारी कौन सी ट्रिप है ये? फर्स्ट ट्रिप ऑफ आवर लाइफ. मिडनाइट फ्लाइट टू. यात्रियों से निवेदन है कृपया लाइन में खड़े रहे और बस को बोर्ड करें और चलती बस को बोर्ड ना करें क्योंकि दूसरी बस आ रही है. वो देखो एक गई दूसरी आई. कम से कम 10 लड़के सब आ गए यहाँ पे. बस से उतर गए. नाउ वी आर गोइंग टू बोर्ड द प्लेन एंड वी आर द लास्ट वंस टू बोर्ड द प्लेन. मुझे कॉकपिट में जाना है पायलट के साथ और वो व्हील पर बैठने की ख्वाहिश है. वो व्हील पे उस पर बैठ के फ्लाई करने की ख्वाहिश है. ये किसकी वजह से हुआ? लेकिन इसने मेरी लड़कियां खाली सारी. सुबह के 4:15 बज रहे हैं एंड वी आर हियर एट बैगेज क्लेम का बैगेज. और पहली बार हम नाइट फ्लाइट में, मैं स्पेशली पहली बार नाइट फ्लाइट से ट्रैवल कर रही हूँ. सो नो ट्रैफिक, एब्सोल्युटली हैसल फ्री आए हैं हम लोग. बोर्डिंग वॉज सुपर ईजी. चेक इन बैगेज में कोई लाइन नहीं थी और हम लोग यहाँ पे 3:20 शार्प फ्लाइट ने लैंड किया है अहमदाबाद एयरपोर्ट. दैट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस थैंक्स टू लोकेश फॉर बुकिंग दिस फ्लाइट एट 2:30. पहले मैं बहुत स्केप्टिकल थी, बहुत डाउटफुल थी, बहुत अपसेट थी, बट नाउ आई एम वे मोर ग्रेटफुल बिकॉज इट्स सो हैसल फ्री. ने बहुत बोल दिया. हम लोग अहमदाबाद आ चुके हैं. इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे हमें खुद को नहीं पता. क्या पता हम रोड पे सोएंगे, रूम में सोएंगे, पता नहीं. इसके बाद बुकिंग करके देखते हैं. जहाँ भी जाएंगे हम लोग आप लोगों को साथ शेयर करेंगे. बाय बाय. हॉट या कोल्ड? देखो क्या लेनी है. अभी मत लेना, मेरी हालत देख. कल इसकी हालत इतनी अच्छी है ना, इतनी लाइन मारता हूँ फिर भी बोलती हालत देख. मेकअप नहीं किया, लिपस्टिक नहीं लगाई है और सुबह के 4 बज रहे हैं और हम यहाँ बैठ के कॉफी पी रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कब जाके बेड पे क्रैश करेंगे. कितने बजे सो जाते हो? रात को 2:30 या 2 बजते हैं. 2 ज्यादा नहीं, 2 से ज्यादा नहीं. मजा नहीं आ रहा है. बहुत मजा आ रहा है. तो बस आज ही सोएंगे हम इस जगह पे. वाह सही. कितने दिन पड़ गए? कुत्ते बिस्किट खाते, मुझे खाना पड़ रहा है. Do you like it? Okay. नहीं. Doggy shirt? नहीं है. Do it. Guys, you must try this hazelnut coffee. It's double. It's just amazing. Yup. अगर दारू होता ना इसलिए और मजा आता. शकल 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 हम लोग पहुंच चुके हैं. किधर? अहमदाबाद. और अभी हम क्या करने वाले? हमने चेक इन किया होटल में और सुबह के 4:15 बज रहे हैं. सो एक डिसेंट होटल मिल गया है, इकोनॉमी वाला, बिकॉज रात को ज्यादा चॉइसेस तो हमारे पास थे नहीं. सो मॉर्निंग वील बी आउट एंड आउट एंड आउट और घूमने जा रहे हैं. राइट, हमें कोई फिक्स नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं. बस निकल जाएंगे. रैंडम प्लानिंग, जस्ट गो विद द फ्लो.
और आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करें, ठीक है? तो स्वयं एब्सोल्युटली टायर्ड, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय. सो अब हमने सारी तैयारी कर ली है, वी आर डन विद आवर लंच, सो वी आर जस्ट चिलिंग आउट. कुछ शूट करने थे, छोटे मोटे वीडियोस एंड पिक्चर क्लिक करने थे, एंड नाउ वी ऑल सेट, ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट चिल इन द जकूजी, एंड वी सी यू आफ्टर अ व्हाइल, आफ्टर अ ब्रेक इन द इवनिंग. सो वी जस्ट गोना रिलैक्स राइट नाउ. थैंक यू. हाय गाइस, सो दिस मॉर्निंग हमने चेक इन किया था एक काफी इकोनॉमिकल होटल में सुबह 4:30 बजे, और अब हम वहाँ से कुछ अराउंड 6 किलोमीटर्स अवे एप्रिकॉट मोटेरा में आए हैं. एंड दिस इज अ वेरी हैपनिंग रूम, इट्स अ रूम विद अ जकूजी, सो एकदम 5-स्टार वाइब है, और ऐसा लग रहा है जैसे गोवा में ही है. सो लेट्स हैव अ लुक. दिस इज द बाथरूम वेयर वी स्टैंड. सी थ्रू ग्लासेस है विद अ शावर अपॉन सीलिंग कोर्स. इंटीरियर काफी इंटरेस्टिंग है, ग्रे कलर मैच्ड विद प्रिंट्स ब्लैक एंड व्हाइट. आई लाइक द मिररिंग एंड द लाइटिंग. कमिंग फॉरवर्ड इज हियर आवर रूम. सॉरी इट्स अ बिट मेसी, इसको अवॉइड करना. या सो यहाँ पे टीवी है, बैंक ऑपोजिट द बेड, बहुत ही प्यारा सा टेबल है विद टू चेयर्स, और ये हाईलाइट है. दिस इज आवर हाईलाइट, दिस इज द जकूजी वी वांटेड, और हमने ये रूम बुक ही इसलिए किया बिकॉज हमको ये जकूजी चाहिए था. सो काफी अच्छे प्राइस में, हमने बहुत दिन से हनीमून नहीं मनाया था क्योंकि हम लोगों ने सोचा हनीमून मनाना चाहिए, तो इसलिए हमने, सो हमें चिल करना था. सो दिस इज आवर जकूजी, दैट्स आवर ड्रिंक ओवर देयर, एंड या हियर इज द व्यू अहमदाबाद का. इट्स वेरी हॉट एज यूजुअल, hot and humid. So yeah, kam se tumhari happiness dikhni chahiye sabko jo tum itna wo the pehle. tarif kar diya karo yaar, kuch to tarif kar diya karo seedhe saadhe bacche ki. So I'm very, very, very happy to be with Lokesh. He's the guy any woman would want to be with. बहुत ही easy going है, बहुत ही chill है, बहुत ही flexible है, बहुत ही caring है, बहुत ही प्यारा है, और हमारी vibrations बहुत vibe, मतलब बहुत ही match करती है, बहुत ही ज़्यादा, और ऐसा लगता ही नहीं है कि it's just been a while, as if we know each other since ages, and he's a gem. कितनी गर्लफ्रेंडों को ब्लॉक करवाया? ओह सॉरी, गर्लफ्रेंड नहीं, लड़कियों, कितनी लड़कियों ब्लॉक करवाया? कितनी लड़कियों ने ब्लॉक किया ये बताओ. आई थिंक 10. चलो भाई, अब हम लोग रेडी हो चुके हैं. हम लोग कहाँ जा रहे हैं? रेस्टोरेंट. रेस्टोरेंट में लंच करने चलो. और ये मैडम 5 बजे तक रेडी नहीं हुई है. 5 बज रही है, रेडी नहीं हुई है. ये चुड़ैल बन के बैठी है, देखो अभी एक चुड़ैल बन के बैठी है, रेडी नहीं है. कितना देर लगाती है, कितनी देर लगाती है मैडम? 2 मिनट. इधर कौन लगाता है रेडी होने में? लड़कियां इतना टाइम लगाती है, इतना टाइम लगाती है जिसकी कोई हद ही नहीं है, हद ही नहीं है. पता नहीं आगे और कितने कितने टाइम लगाएगी, वेट कराएगी. मेरे को इतना भूखा रखा है, सबसे पहले तो इतना भूखा रखा है, इतनी भूख लग रही है ना. दैट्स बिकॉज़ होटल का शेफ इज गायब, वो अवेलेबल नहीं है. 6:30 के बाद में हम ऑर्डर दे सकते हैं, और दोपहर को मुझे भूख नहीं थी जब लंच टाइम था, इसलिए मेरे चक्कर में ये भी भूखा रह गया. अब क्या करूं, इसको खाऊंगी खाना. चलो खाना ही खाते हैं अभी. इससे मुझे चश्मे में देखना चाहता है, चश्मे में इससे ज्यादा मैं लेंसेज में अच्छी लगती हूँ, ग्रीन आईड लेंसेज. लाइट बढ़ के जाएगी चुड़ैल. यार हम जैसे के हॉन्टेड एरिया, ये देखो बहुत हॉन्टेड एरिया है. अभी आगे बढ़ने एक ये चुड़ैल के साथ जाती
ये देखो लाइक, चल मूवी देखना 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 देखना, भागी भागी भाग, देखो कितने इतने भूखे हैं ना। नाइट लंच मिला हमें अच्छे से, नाइट डिनर, क्योंकि हम लोग खाते हैं 11 बजे रात को और लंच करते हैं 4 बजे, तो हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला। बाकी तो फीडबैक मैडम देगी। सो बेसिकली अहमदाबाद में लंच और डिनर के बीच में कुछ नहीं मिलता है। लंच के टाइमिंग्स हैं 12 से 3 और डिनर का टाइमिंग है 10:30 से 8 से 10:30 या 11, और उसके बीच में अगर कुछ मिलेगा तो 6:30 बजे के बाद मिलेगा। ओके, अब जिस होटल में हम स्टे कर रहे हैं वहाँ पर शेफ़ नहीं है, तो उन्होंने हमारा ऑर्डर नहीं लिया और ये कहा कि 6:30 के बाद ही शेफ़ आएगा और तब हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सो मीनवाइल वी आर हैविंग अ पिज़्ज़ा आउटलेट विच हैज़ सेव्ड अस फ्रॉम आवर फैमिश्ड हंगर और हमारा ऑर्डर ऑन द वे है। सो व्हेन यू आर कमिंग टू अहमदाबाद प्लीज़ मेक श्योर कि आप टाइमिंग्स फॉलो करो स्ट्रिक्टली। बहुत मस्त है इधर के मोमोज का, यहाँ पे आओ मैं लोकेशन देता हूँ। बहुत मस्त है, सही है। क्या मोमोज कैसा लगा पहले तो ये बताओ। मोमोज आर वेरी डिफरेंट, स्पाइसी है, चिली है, मुंबई के मोमोज की तरह तो बिल्कुल नहीं है। बहुत यम्मी है। हाँ यम्मी है, बट मुझे मुंबई के मोमोज ज्यादा यम्मी लगते हैं, बट यहाँ पे लोकेश को बहुत ज्यादा पसंद आया है। यहाँ के मुंबई को मुझे भी नहीं पसंद आता है, तो बड़ा पाव का नाम और कुछ नहीं पसंद मुझे मुंबई में। बट गुड, ये जगह का नाम क्या है? सुनो सुनो, इसके आस के आलू के पराठे, बस वो पसंद है मुंबई में और कुछ नहीं। यस, आई मेक अमेजिंग आलू पराठा, लास्ट टाइम मैंने लोकेश के लिए बनाया था, बहुत टेस्टी बना था। अब इसका बताओ फीडबैक जल्दी। पनीर रोल का looks good, काफी गर्म है, ठंडा होने देना, ठंडा से गर्म है। टेस्ट 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 मार्क्स बन के बैठ गया। उठे तू का परफ्यूम इधर 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 कुछ वेस्ट नहीं हुआ। गुजरात को कफ्ता नहीं खाया। हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले सॉरी, हम लोगों ने 3 दिन से कोई व्लॉग शूट नहीं किया इस लड़की की वजह से, क्योंकि क्योंकि हम लोग रन ऑफ कच्छ जा रहे थे, वो भी प्लान इसने कैंसिल किया और हम लोग गांधीधाम गए, हम लोगों ने कुछ भी शूट नहीं किया। अब जाके हम लोग शूट कर रहे हैं क्योंकि अहमदाबाद में 3 दिन हो गए हमने कुछ भी शूट। ये 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 लड़की की हरकत है, ये इसकी वजह से हम लोगों को टाइम नहीं मिल पाया लोग शूट करने का, है ना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं IPL मैच देखने, जो कि बहुत मस्त मैच है। गैलरी में हम लोग मैच देखने वाले हैं और ये जा रही है पगलों की तरह, है ये अभी तक रेडी तक नहीं हुई है और हम टाइम हो चुका है 2, मैच है हमारी 3:30 बजे, सिर्फ 1.5 घंटा पड़ा है और यहाँ से रास्ता है 1/2 घंटे का, हम पहुंचेंगे कब। लेकिन ये अच्छा है कि हमारी टिकट अच्छी है तो हमारी VIP एंट्री है, तो हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा ये जल्दी ना लो तो हम जल्दी तैयार होकर जाए। चलो मिलते हैं रेडियो के बाद। चलिए मैं तो रेडी हो चुका हूँ, अब ये बंदी देखो अभी तक मेकअप कर रही है, अभी तक रेडी नहीं हुई है। ये हम दोनों का आउटफिट है जो अभी दिख नहीं रहा है, आप लोगों को हम लोग दिखाएंगे जरूर, लेकिन थोड़ा सा ये रेडी हो गया, लेट हो रहे काफी, यहाँ से 1/2 घंटे का रास्ता है। मस्त व्यू है यहाँ से। लड़की इतना परेशान करती है ना, सीरियसली इतना परेशान, इतना लेट करती है, लिफ्ट अभी तक नहीं बुलाई है, 1/2 घंटे से खड़ी हुई है, मैच देखनी 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 है, बहुत डिले कर चुकी है अभी तक। सच बताओ ग्राउंड फ्लोर दबाना है इसको, भी पार्किंग में जाना है, मैं क्या करूँ मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, टॉस हो चुका है इधर चालू गिल और मिलर के बीच, और ये इसको ना वैसे अगेंस्ट मेरी टीम के होना था, उसको जर्सी दूसरी लेनी थी लेकिन इसने ये दी।
हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेडियम, पूरा यहाँ का रास्ता ब्लॉक है। और ये मैडम भारत माता जी जय। Guys, surreal Gujarat. We are just outside the premises of Narendra Modi Stadium. क्या बोल रहे हैं? इसका सेपरेट यहाँ पे एंट्रेंस है एंड यू कैन ऑल्सो सी व्हाट यू कॉल दैट द स्मॉल बगी दैट विल एस्कॉर्ट अस टू आवर गिवन सीट्स। ओ क्राउड के आवाज आ रही है अभी से। तेरे को मैं खा ले ले, तू मेरे लिए मत लेना, मैं तेरे से सिप मारूंगी बस। अबे मैं साइकिल ले रहा हूँ। अरे रोड जो है ना सेक्सी रोड है इधर के। हाँ लेकिन बहुत अच्छे रोड है। तो अब हम लोग जा रहे हैं, हमारे ट्रिप खत्म हो रहा है। ये मैडम से कुछ संभला नहीं जाता है, ये जा रही है अपने घर पुणे, मैं जा रहा हूँ इंदौर वापस। तो ये व्लॉग आज यहीं खत्म करेंगे, नेक्स्ट 20 तारीख के बाद कुछ न्यू लाएंगे हम लोग। Okay, तो आप लोगों से निवेदन है काय का, आप हमें हमारे ब्लॉग देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बाय बाय। इसके मस्त एयरपोर्ट है यार, वाइब्स अच्छी है। आज मुझे छोड़ के जा रही है, इसकी 3 बजे की फ्लाइट है और मेरी 5 बजे की, 2 घंटे अकेला करके जा रही है। हाँ। और बाकी का पता नहीं, जल्दी वापस दिखेंगे हम लोग। कोई बोलना।
तो हम एक गाना गाना चाह रहे थे। आ, जल्दी 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 साथ में आएंगे। 1 2 3 मैं बेसुरा हूँ, तू भी मेरे साथ गए। हाँ चल ठीक है। छोड़ के मुझको जो तुम ऐसे जाओगे जाओगे, सच कहता हूँ जान बहुत पछताओगे। अरे मुंबई वाली